conquer. A challenging GET contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GET deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GET challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस पावर मेजरमेंट और एनर्जी मेजरमेंट पर, राइट? दिस इज इम्पोर्टेंट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द बीएसयूज स्पेशली एंड बार्क आल्सो, यू कैन से दैट, राइट? So let us start. Before going further, let me introduce myself. My name is Rajat Kumar Jain. I have qualified GET with AIR 212 in the year 2012. Besides that, I have qualified some BSU tests. I am pursuing PhD, having 11 plus years of teaching experience. I have taken 6 to 7 different subjects for GET and BSUs. Have mentored thousands of students to achieve success in GET and BSU. आप मेरा कोड यूज करके एडिशनल 10% ऑफ पा सकते हैं ऑन अनअकैडमी प्लस, एज वेल एज आप मेरी अनअकैडमी पर क्लासेस को क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड। ओके गाइस, सो गाइस लेट अस स्टार्ट विद फर्दर डिस्कशन दैट व्हाई यू शुड टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन, बिकॉज द लाइव कोर्सेज क्लासेस एडवांटेज इज ओनली अवेलेबल इन यूट्यूब, सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन प्लस सब्सक्रिप्शन। एडिशन टू दैट क्रैश कोर्सेस, वीकली टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस से हमारा काम नहीं होता। अगर हमारे डाउट सॉल्व नहीं होते तो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो क्लासेस विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी, सो लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते तो आप इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़ना चाहते तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना चाहते तो यू कैन स्टडी इंग्लिश ऑल्सो, राइट? तो प्लस सब्सक्रिप्शन यू शुड टेक, आई विल बी रिकमेंडिंग दैट यू शुड टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन। Iconic subscription. Iconic subscription covers all the benefits of plus subscription as well as some additional benefits. Personal coach, study planner, study booster, personalized test analysis,
प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। तो गाइज ये सारे एडवांटेजेस आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं, तो यू शुड डू डेफिनेटली द सब्सक्रिप्शन। तो आप कैसे लेंगे सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन लेने के पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू गो अंडर मैनेज गोल सेक्शन, जिसमें आप पाएंगे बहुत सारे कोर्सेज सक्सेसफुली अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर रन किए जा रहे हैं, एंड वन ऑफ द कोर्स इज गेट एंड ईएसी। मैं एक कोर्स क्या है, गेट एंड ईएसी, ये हमारे इंटरेस्ट का कोर्स है, बिकॉज ऑल दी टेक्निकल एग्जामिनेशंस, चाहे कोई भी टेक्निकल एग्जामिनेशन हो एज फार एज द इंजीनियर्स आर कंसर्न, राइट? तो टेक्निकल एग्जामिनेशंस के लिए गेट एंड ईएसी का कोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट कोर्स माना जाता है, क्योंकि इसी में सारा टेक्निकल कोर्स कवर हो जाता है। तो क्लिक ऑन प्लस, देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, देन क्लिक ऑन type of subscription method that you want to have, right? 12 months or 24 months, ये plans available है 1 month से लगा के 24 month तक। तो आपको guys मैं ये चीज़ बता दूँ कि आप जितना लंबा subscription plan लेंगे उतना ही cost आपको क्या होगा, कम दिखने को मिलेगा। तो at least आपको 12 months का subscription plan लेना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए, you should use my code, demo code, that is what, RAJAT11, आपको मेरा code use करना चाहिए, click on apply and click on proceed to payment, ठीक है? उसके बाद आपको पेमेंट समरी दिखेगी, पेमेंट समरी के बाद आपको पेमेंट मेथड को चूज करने के लिए बोला जाएगा। तो अनअकैडमी एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज नो कॉस्ट ईएमआई भी, नो कॉस्ट ईएमआई। ओके गाइस, आप अगर गेट सब्सक्रिप्शन और ईएसी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है दोनों कोर्सेज के लिए, और आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर 12 मंथ्स, फॉर 18 मंथ्स एंड फॉर 24 मंथ्स। 12 मंथ्स के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है आफ्टर यूजिंग माय कोड एट द प्राइस ऑफ 27,000 अप्रॉक्सिमेटली 27,225 टू बी एग्जैक्ट। 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 34,650 के लिए, और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 39,600 रुपीज। ओके, फिर इसके बाद अगर हम आइकनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, अगेन यू हैव टू पे द सेम फीस, ओनली सिंगल फीस, एंड यू विल बी एंटाइटल टू अटेंड बोथ द कोर्सेज गेट एंड ईएसी। तो 12 मंथ के लिए आइकनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, दैट इज फॉर द फीस ऑफ 45,000 रुपीज एंड आफ्टर अप्लाइंग माय कोड, एंड फॉर 24 मंथ्स इट इज अवेलेबल फॉर 66,600 रुपीज। गाइस जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन कीजिए और नई स्टार्ट होने वाली बैचेस का फायदा उठाइए, जो कि आप टॉप एजुकेटर्स के साथ में क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। उसे कुछ AIR गेट रैंक 1 होल्डर्स हैं, कुछ AIR 7 रैंक होल्डर्स हैं, कुछ IAS क्वालिफाइड है, बहुत सारे फैकल्टीज, कुछ PSUs के मैं ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, कुछ को IAS का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। सो रियली लर्नड फैकल्टीज के साथ आप डील करने वाले हैं गाइस। तो आप जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, मेरा कोड यूज कीजिए RAJAT11 और एडिशनल डिस्काउंट 10% पाइए, और तुरंत क्या कीजिए, सब्सक्रिप्शन कीजिए। सिमिलरली इवॉल्व फॉर गेट 2022 फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये बैच भी हमारे 7 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, गेट 2023, दैट इज द ईयर नेक्स्ट टू द 2022। तो उसके लिए भी बैच स्टार्ट होने वाली है फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एंड ईसी इंजीनियरिंग, द बैच नेम इज असेंड। तो बैच का नाम क्या है, असेंड, एंड अगेन वी विल बी हैविंग द सेम पूल ऑफ फैकल्टी, फैकल्टी के पूल में कोई चेंजेस नहीं है। तो 7 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी आप क्या कीजिए, सब्सक्रिप्शन, और मेरा कोड यूज कीजिए RAJAT11। Follow me on Unacademy at https://unacademy.com at rajatkjn1708। यहाँ पे आप मेरी Unacademy की जो लाइव क्लासेस है उनको एक्सेस कर सकते हैं, और उन क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा RAJAT11। तो जल्दी से जल्दी आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसपे हम क्या करते हैं, नोट्स डालते हैं लेक्चर खत्म होने के बाद, और इस पे वीडियोस और लिंक्स अपडेट्स आती हैं, जॉब नोटिफिकेशंस आते हैं। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपके फ्रेंड्स के बीच में भी इसको सर्कुलेट कीजिए। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ पावर एंड मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। ये चीजें हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे, क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस फॉर गेट एंड ईएसी, सिलेबस फॉर ईएसी, सिलेबस फॉर पीएसयू, टॉपिक फॉर डिस्कशन। कल हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की कल के सेशन में, तो आज हम क्या स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने कल बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर किए थे, और उसमें से कुछ टॉपिक में पहले इसके पहले वीक में भी सेशन में ले चुका हूं। तो गाइस जिन्होंने वो सेशन अटेंड नहीं किए हैं वो लोग वो सेशन का वीडियो देख सकते हैं बाय सर्चिंग विद द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, आपको रजत जैन के नाम से वीडियो मिल जाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग करण। गाइस तो गेट और इलेक्ट्रिकल
का सिलेबस, आई मीन गेट और ईएससी ईएससी एग्जाम का सिलेबस करीब करीब सेम ही है, ज्यादा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट टू और थ्री टॉपिक्स लाइक सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स भी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के साथ में ऐड किया गया है. सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर इन केस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, दैट इज द ओनली डिफरेंस यू फाइंड विद द गेट सिलेबस, एंड रिमेनिंग सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम फॉर गेट एंड ईएससी. तो उन दोनों को हम जब कंबाइन करते हैं तो कुछ कॉमन टॉपिक निकल कर आते हैं सामने फॉर ईएससी यूज. तो स्टैटिक एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एरर एनालिसिस, सीआरओ, डीसी, एसी ब्रिजेस, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. तो यहां तक के टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, इतने न्यूमेरिकल में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ. तो आज से हम बचे हुए टॉपिक्स जो है हमारे उनको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कवर करने की कोशिश करेंगे. तो वन ऑफ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे फर्स्ट इज गुड मॉर्निंग अभिषेक कुमार, पी एंड ई दैट इज मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी और डिजिटल वोल्ट मीटर एंड मल्टीमीटर, ये हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज के लिए होंगे. मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी गाइस, पावर मेजरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट इन एज फार एज दी एनर्जी कंजम्पशन इज कंसर्न एंड द डिवाइस परफॉर्मेंस इज कंसर्न. अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के, तो उसका परफॉर्मेंस इसी बात से सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि वो कितना पावर कम कंज्यूम करता है. अब पावर कंजम्पशन दो बातों पर डिपेंड करता है. पहला, पावर कंजम्पशन होता है सिर्फ और सिर्फ डीसी सर्किट्स के लिए, कि अगर हमारा जो सर्किट है उसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव लोड है तो वहां पर डीसी सर्किट या डीसी पावर कितना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा, पावर डील हम करते हैं एसी सर्किट्स के लिए. सो नॉर्मली हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो सारे एसी अप्लायंसेज होते हैं, उसको दे आर रिक्वायरिंग एसी पावर सोर्स. सो इन दैट केस द फेज एंगल प्लेज अ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो आई सपोज बोथ द मोस्ट ऑफ यू आर वेरी अवेयर विद द मेजरमेंट ऑफ पावर इन डीसी सर्किट्स. हाउ दिस कैन बी कैरिड आउट, कैन एनीबॉडी आंसर दिस टू हाउ मेजरमेंट ऑफ पावर इन डीसी सर्किट्स कैन बी कैरिड आउट? जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Saurabh, PAU means, what is PAU? So, measurement of power in DC circuits can be done simply with the help of voltmeter and ammeter. ओके, पुणे मेट्रो कॉर्पोरेशन, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन गाइस, पेपर जो है पीएसयूज का टेक्निकल बेस सभी का लगभग सेम ही रहता है, क्योंकि कुछ ऐसा विशेष पूछने के लिए नहीं है एक्सेप्ट हम इंटरव्यू की अगर बात करें तो. तो जो चीज हम एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो चीज हम आईएएस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो करीब करीब क्वेश्चन का लेवल आपको सेम ही देखने को मिलेगा इन सारे पेपर्स में. यहाँ पे गेट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि पीएसयूज में कैलकुलेटर आपके सामने स्क्रीन पर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, पहली चीज. और दूसरी चीज ये भी होती है कि अगर ऑफलाइन एग्जाम होती है, फॉर एन एग्जाम्पल इट इज नॉट एन ऑनलाइन एग्जाम, तो उस केस में तो आपको को पेपर दिया जाएगा, उसके साथ में ओएमआर शीट दी जाएगी. तो इट इज लाइकली वेरी वेरी लेस चांसेस हियर इन केस ऑफ द पैंडेमिक, करंट पैंडेमिक सिचुएशन. तो अगर ऑनलाइन एग्जाम होती है तो वहां पे कैलकुलेटर की फैसिलिटी मुझे नहीं लगता कि मिलेगी आपको. तो जो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी कैलकुलेटिव लेस, आई मीन लेस कैलकुलेशन विल बी रिक्वायर्ड इन दैट केस. तो हमें जनरली थ्योरी और बेसिक्स पर ही फोकस करना रहेगा. अब कोई भी सब्जेक्ट की अगर बात करें, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना. तो नॉर्मल कैलकुलेशन जो हम याद रखते हैं, जैसे cos 30 डिग्री की वैल्यू हमेशा याद रहती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू हमें याद रहती है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जा सकते हैं जिसमें नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो और नॉर्मल स्क्वायर रूट कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो या नॉर्मल इक्वेशन सॉल्विंग हो. इससे ज्यादा कोई कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे गाइस. तो आप उस बेसिस पे तैयारी क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस अमली जो भी तैयारी है उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. तो वोल्ट मीटर एमीटर मैथड गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट मैथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पावर मेजर कर सकते हैं. वोल्ट मीटर एंड एमीटर मैथड
जैसे हमने कल रेजिस्टेंस मेजरमेंट में देखा था, तो उसी तरह से वोल्टमीटर एमीटर मेथड डीसी पावर मेजरमेंट के लिए या पावर इन डीसी सर्किट्स मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हाउ इट कैन बी डन, अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। सपोज दिस इज अवर पावर सप्लाई, तो वी कैन हैव, वी कैन कनेक्ट अवर वोल्टमीटर नियर द सप्लाई, वी कैन कनेक्ट द वोल्टमीटर नियर द सप्लाई, दिस इज योर एमीटर, ये क्या होगा एमीटर होगा, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस होगा, दैट इज योर लोड रेजिस्टेंस RL, राइट, जिसके अक्रॉस आपको पावर सप्लाई एंड जिसके अक्रॉस आपको पावर कंप्यूट करनी है। तो ऑब्वियसली द IL एंड दिस इज द वोल्टेज दैट इज मेजर्ड बाय दिस V, सो द वोल्टेज कैन बी मेजर्ड, दिस V इज गोइंग टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस दिस एमीटर ऑल्सो, यहाँ का वोल्टेज भी ये मेजर करने वाला है और ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी क्या करने वाला है, मेजर करने वाला है। तो वॉट विल बी द वोल्टेज कॉम्पोनेंट, राइट, और लोड पावर, हियर द लोड पावर कैन बी रिटन एज VLIL, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड, VLIL प्लस IL स्क्वायर इनटू RA, VLIL प्लस IL स्क्वायर इनटू RA। तो ये IL स्क्वायर इनटू RA का फैक्टर किस वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एमिटर रेजिस्टेंस। अगर एमिटर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, आइडियल एमिटर हो, तो ये वाला फैक्टर नहीं होगा। तो इट इज, वी कैन से दैट कि ये वाला जो कंपोनेंट है That can be neglected अगर VLIL की वैल्यू इस कंपोनेंट से बहुत ज्यादा है, या हम ये कह सकते हैं कि RL की वैल्यू इस RA की वैल्यू से बहुत बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम इस कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, neglect कर सकते हैं, otherwise it is causing an error। So this is what connection number one, इसे कहते हैं connection number one। So there is another connection in which we can connect the voltmeter across the load and ammeter across the supply, right? This is the supply terminal, right? So हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी power measurement कर सकते हैं, performance there is no problem in that। ये भी पावर मेजरमेंट में की कैटेगरी में आएगा। नाउ द वोल्टमीटर इज मेजरिंग डायरेक्टली द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, राइट, बट द एमीटर इज मेजरिंग टू करंट्स, वन इज द करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू द वोल्टमीटर एंड अदर इज द करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू द लोड। सो द आई नेट मेजर्ड बाय द एमीटर विल बी हैविंग टू कंपोनेंट्स। तो IV की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है, IV की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। अगर वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, इफ द वोल्टमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, दैट इज द आइडियल केस, तो उस केस में IV की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सो दैट मींस दिस करंट I इज एक्चुअली इक्वल टू IL, बट दैट इज नॉट द केस इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। तो डेफिनेटली वोल्टमीटर में कुछ ड्रॉप होने वाला है बिकॉज ऑफ इट्स फाइनाइट रेजिस्टेंस, and that drop is going to make some portion of measurement to be erroneous, us case mein measurement kya ho jayega, erroneous ho jayega। So let us write the expression for the power calculation for this particular circuit। Is particular circuit ke liye power calculation ke liye hum kya expression likh sakte hain, that will be VL into IL plus VL square by IL, VL square by RV। So this is loss due to voltmeter resistance, yaha likh sakte hain VL square by RV, that is the loss due to voltmeter resistance। First circuit should be used in case of high power measurement, Siddharth, I suppose your statement was almost up to the mark, right? This connection should be used for high power measurement, no doubt about that, and this connection should be used for low power measurement, in that case because the voltmeter will be having higher resistance, so that will be preferred for low side power measurement, that is your statement is correct, up to the mark Siddharth, there is no problem in that। So if your RV is higher, obviously this component is going to become vanish, RV infinity agar for an example, to ye wala component vanish ho jayega aapka, so in that case your true power will be equal to the measured power। तो ये जो तरीका है, दैट इज वेरी वेरी सिंपल वे ऑफ मेजरिंग दी पावर इन द डीसी सर्किट्स। इसी तरह से अगर हम मेजरमेंट ऑफ पावर इन एसी सर्किट्स की बात करें, तो दैट कैन बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाटमीटर। पहले हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाटमीटर की वर्किंग एक बार शॉर्ट में डिस्कस करें, ताकि हमें इसके क्वेश्चंस बनाने में क्या होगा, बड़ा आसानी होगी, ठीक है। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोडायनामिक वाटमीटर, लेट अस सी द सर्किट। This is the electrodynamometer wattmeter, ये आपका लोड है,
और ये का सर्किट इस तरह से बोला जाता है। तो ये आपका सप्लाई टर्मिनल है, दिस इज योर सप्लाई टर्मिनल, ओके। एंड दिस कॉइल इज नोन एज करंट कॉइल, दिस कॉइल इज नोन एज प्रेशर कॉइल, दिस इज नोन एज हाई सीरीज रेजिस्टेंस, दिस इज नोन एज लोड, सो दिस इज योर आई, दिस इज योर आई सी, दिस इज योर आई पी, ओके। एंड दिस इज एक्चुअली मूविंग कॉइल, ये कॉइल कैसी है, ये मूविंग कॉइल, दैट इज योर मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल। और ये कॉइल कैसी है, दैट इज योर फिक्स्ड कॉइल, दैट इज द डायनामोमीटर अरेंजमेंट। ये कैसा अरेंजमेंट है, डायनामोमीटर अरेंजमेंट है। तो ये फिक्स्ड कॉइल, ये मूविंग कॉइल, और ये लोड के साथ में हमने क्या कर दिया, सप्लाई को, इस कॉइल को कनेक्ट कर दिया। अगेन यहाँ पर भी दो कनेक्शन होते हैं, आप चाहें तो इस प्रेशर कॉइल को भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग शॉर्टली कि वो कनेक्शन एरर क्या क्या, मतलब क्या क्या और एरर्स, सोर्सेज ऑफ एरर्स हैं इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाटमीटर टेक्निक। ठीक है, तो व्हाट आई कैन राइट फॉर द एक्सप्रेशन फॉर पावर, आई कैन राइट फॉर सच एन इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्शन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वी आई कॉस फाई डी एम बाय डी थीटा, वी आई कॉस फाई डी एम बाई डी थीटा डिवाइड बाय आर पी। ये आपका जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो इसके इसके बराबर होता है, नॉट प्रोपोर्शनल, इट इज इक्वल टू दिस। द डिफ्लेक्शन टॉर्क इज गिवन बाय फॉर सच ए केस वी आई कॉस फाई वी बाय आर पी आई कॉस फाई डी एम बाई डी थीटा। ये कहाँ से आया, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट के डिफ्लेक्शन टॉर्क के फॉर्मूले से, आई वन आई टू कॉस फाई dm by d theta। अब यहाँ पे हम जरा समझे, what is I1? Your I1 is the current carrying coil current, that is equal to IC. What is your I2? I2 is pressure carrying current coil, that is IP, right? Now IP can be written as V by RP. V by RP. Why we are assuming that? We are assuming that, or we are making this pressure coil to be highly resistive. हम क्या कह रहे हैं? और ideal situation में हम ये कहेंगे that is purely resistive. So we can write V by RP. हम इसे क्या कह रहे हैं, V by RP, मतलब प्रेशर कॉइल से जो करंट फ्लो हो रही है that is proportional to the voltage. वो किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। गाइस ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, I1 is equal to IC, that is current coil current, that is equivalent to load current. तो उसे हम क्या कहेंगे, I से रिप्रेजेंट करेंगे, that is equal to load current. So in this particular formula if we substitute these values, then this formula comes, and now we can say that the डिफ्लेक्शन टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई कॉस फाई, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होंगी, कॉन्स्टेंट रहेंगी, डी एम बाई डी थीटा आर पी, ये दोनों क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। आर पी इज द पोटेंशियल कॉइल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, प्रेशर कॉइल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज आर पी। ओके प्रद्युत, तो TD is equals to VI cos phi। अब गाइस देखिए कितना अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट पावर मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज, अगर हम इसे करंट या वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, इफ वी यूज इट फॉर करंट एंड मेजरमेंट, करंट और वोल्टेज मेजरमेंट, देन दैट केस द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर और द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, बोथ आर आरएमएस वैल्यूज। बट इन दिस केस the deflection is proportional to VI cos phi, that means the deflection is proportional to power, that is the active power, active power ke proportional hai, matlab kya ho raha hai, electrodynamometer wattmeter ko agar aap use karte hain, sorry electrodynamometer concept ko agar aap use karte hain for making the wattmeter, then the wattmeter becomes a linear device, aur ye yahan par jo voltmeter ya current meter ban rahe hain, ammeter ban raha hai, that is a non linear device, that is a square law device, and here it is a linear device. That is what the biggest advantage. We will be having a uniform scale. हमारे पास क्या होगी? एक uniform scale होगी जिसकी help से हम क्या कर सकते हैं? Power को measure कर सकते हैं. So that is why the dynamometer type principle. Remember guys, very very important thing. The dynamometer type principle. Dynamometer type principle is more suitable for पावर मेजरमेंट इंस्टेड ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो आपको अगर वोल्टेज और करंट मेजर करना है तो आपके लिए पास में बहुत सारे दूसरे ऑप्शन है, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, राइट, योर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट और योर रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट, आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। फॉर हाई वोल्टेजेस यू कैन गो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो, राइट। तो
why to use dynamometer for voltage measurement or current measurement? Because it is not a linear device, so we should use this type of arrangement for measuring the power. So TD is directly proportional to VI cos phi. अब इसके साथ में yes yes I will try to cover that also Siddharth, the Blondel's theorem. अब ये जो वॉटमीटर है, इस वॉटमीटर के साथ में बहुत सारी एरर्स एसोसिएटेड है. That error we have to just look out. हमें उन errors के बारे में समझना है, उन errors को याद भी रखना है, क्योंकि बहुत सारे जो वॉटमीटर के क्वेश्चंस होते हैं तो वो वॉटमीटर के क्वेश्चंस एरर पर बेस्ड होते हैं कि वॉटमीटर के साथ में क्या क्या एरर एसोसिएटेड है. What are the errors associated with the वॉटमीटर? Okay guys, तो क्या क्या एरर्स एसोसिएटेड है? Errors associated, I am just writing here. Errors associated in watt meter measurement. Error associated in watt meter measurement. ये कह सकते हैं कि errors in EDM type voltmeter. So there are a lot of sources of errors. What are these sources of errors? First of all, the error due to pressure coil inductance. Error due to pressure coil inductance. Error due to pressure coil capacitance. Error due to pressure coil connection. Then okay Siddharth, errors in wattmeter, error due to pressure coil inductance, error due to pressure coil capacitance, error due to pressure coil connections, then error due to external magnetic field, eddy currents and vibration. These are the principal sources of errors. ये क्या है? Principal sources of errors. Error due to pressure coil inductance, error due to pressure coil capacitance, error due to pressure coil connections, error due to external magnetic field and eddy currents and vibrations. Guys, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा important factor है, वो है error due to pressure coil inductance. What in the analysis, जब हमने ये formula develop किया, तो what we have assumed that? We have assumed that कि ये वाला जो प्रेशर कॉइल है, ये प्रेशर कॉइल इज हाईली रेजिस्टिव, दैट मींस इसका इंडक्टिव पार्ट बहुत लो है, और आइडियली हम बोले तो प्योरली रेजिस्टिव, राइट? प्योरली रेजिस्टिव, इसका इंडक्टिव पार्ट बहुत लो है. इंडक्टिव पार्ट लो होने से क्या कहेंगे कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज विल बी इन फेज विद दिस करंट आईपी,
राइट, दिस वोल्टेज विल बी इन फेज विद दिस करंट आईबी, लेकिन ऐसा नहीं होगा प्रैक्टिकली बेस्ड ऑन द लोड। दैट डिपेंड करेगा कि वो लोड कैसा है, लैगिंग लोड है या लीडिंग लोड है, किस तरह का लोड है। तो दैट इज व्हाई द एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस बिकम्स सिग्निफिकेंट व्हेन द प्रैक्टिकल सर्किट्स आर प्रैक्टिकल सर्किट ड्यू टू वेरियस लोड्स कम्स इनटू द इफेक्ट। राइट, तो एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो दैट इज बिकॉज द प्रेशर कॉइल इज हैविंग, द रीजन बिहाइंड दैट कॉइल इज हैविंग अ फाइनाइट इंडक्टेंस, अ फाइनाइट इंडक्टेंस, एक फाइनाइट इंडक्टेंस है प्रेशर कॉइल का। उस वजह से एरर डिपेंड करती है कि वो लोड कैसा है, दैट इज लैगिंग लोड और इट इज अ लीडिंग लोड, it is a lagging load or it is a leading load. So for an example, if it is a lagging load, agar maan lijiye ye lagging load hai, to us case mein kya hoga, your I, right, earlier it was happening, that is why V and that is why phi. So V or I, hum kya rahe the, VI cos phi. Now what is happening, now in this case your IP is this one and That is your V, और ये आपका आ जाएगा आई सी और ये आई पी, योर वी एंड आई पी एंड आई सी, इस तरह से ये बिहेव करेगा फॉर दी लैगिंग लोड। सो दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज बीटा बिटवीन वी एंड आई पी, बिटवीन वी एंड आई पी। सो वॉट इज द एंगल बिटवीन आई पी एंड आई सी, दैट एंगल इज फाई माइनस बीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा जो पावर का एक्सप्रेशन होगा That will be actually VI cos phi minus beta into cos beta. VI cos phi minus beta into cos beta. Yes, for lagging. VI cos phi minus beta into cos beta. इसी तरह से for leading, the deflection torque will be equal to VI cos phi plus beta into cos beta. Both these cases, right? This is the actual expression for the power. However, we can say that for small values of beta, that cos beta factor will be equal to 1. So that can be ignored. And simply we can say that the power is directly proportional to VI cos phi minus beta. In case of lagging load, isi tarah se, it is equal to or it is proportional to VI cos phi plus beta for the leading load. So yahan se clearly explainable hai ki phi minus beta, yes, you are correct, absolutely correct, Siddharth. Phi minus beta is what is happening in this case. Phi minus beta, आपका phi है, जो आपका angle है, the phase angle between voltage and current, it is reducing. If the phase angle is reducing, that means the power factor is increasing. तो power factor increase हो रहा है, तो even small loads के लिए भी क्या करेगा, ये ज़्यादा power measure करेगा. The measured power will be more than the true power in case of lagging load. And in the leading load, the opposite thing goes, because the angle increases, so the power factor reduces. So we can say that the measured power is less than the true power. So ye cheez hame dhyan rakhni hai ki error due to pressure coil inductance is going to cause error in measurement. I mean, the existence of finite inductance in the pressure coil is going to cause error in the measurement, and that error has to be significantly reduced, or some measure has to be taken to reduce that error significantly. So what measure we can take? There are two options we can do. हम क्या कर सकते हैं? इस pressure coil के साथ में एक capacitor हम connect कर दें series में, या तो हम ये कर सकते हैं, that we can do. लेकिन उस case में क्या होगा? That will be working only on the single frequency. वो क्या करेगा? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये interview का question भी बनता है guys. Interview का question बनता है यहाँ पे कि how to minimize the pressure coil inductance effect. How we can minimize that effect? So it is L, it is R and it is C. So we can connect a capacitor over here so as to compensate for the inductance variation. ये कर सकते हैं, but ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पर इसके इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, बिकॉज इट इज अ सीरीज आरएलसी सर्किट। तो सीरीज आरएलसी सर्किट में जो इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट्स कैंसिल आउट होते हैं, वो सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो दैट ऑप्शन इज नॉट अ गुड वन। ये ऑप्शन क्या है? सही नहीं है।
So what is the other option by which we can reduce this error? The other option is that we can connect capacitor across some portion of R. Is portion ke across hum kya kar sakte hain? Capacitor ko connect kar sakte hain. We can do that. That is what we are supposed to do that for reducing the error. Hum ye kar sakte hain. Across some portion of R. See. और ये आपका RP है, that is your total, your series resistance, right? Or inductance LP. So in this case, your inductance LP can be given by, for this case, the LP or LP can be given by R square C. R square C. What is R? That is your total resistance R. यहाँ पे R क्या है? ये वाला portion जिसके across आपने capacitor को connect किया. So this is also a good method. This is also a good method और ये significantly work करता है for the range of frequency और for the power frequencies. In fact, 125 hertz तक की frequency के लिए significantly क्या करता है, ये काम करता है. So that is a really good option कि हम क्या करें, capacitor को एक portion के across connect करें instead of connecting the capacitor. Yeah, CP will be, C will be LP by R square, right? The capacitor value will be LP by R square. C will be LP by R square. What capacitor we have to select, that will be given from this. So that is ultimately calculated from impedance matching. Nothing else. Whenever we solve this particular expression, so yahan se impedance matching karke hum ye expression kya karte, find out karte. There is no difficulty in that. The main thing that we have to remember is ki error due to pressure coil inductance kyun ho rahi hai, aur agar ho rahi hai to kis tarah ki ho rahi hai. So that is based on the load. So lagging load par is error ka kya effect hai, that will be measuring more power. In leading load, it will be measuring less power. Then comes the solution to the error or remedy to the error. So that can be done either connecting the capacitor in series. That will be feasible only for the single frequency. But if we want to operate for most of the frequency range, so in that case, we should connect the capacitor in parallel. Okay. Now, there is again a very important thing. What is that? The correction factor. The correction factor is given by for such a case. The correction factor is given by true power upon measured power. So your true power is VI cos phi and your measured power is, for an example, for leading load I am explaining, cos phi minus beta into cos beta. ये आपकी true power है और ये आपकी measured power. For an example, for leading load I am explaining this. For lagging load, sorry. For lagging load I am explaining, that can be extended to leading load also. True power is equal to true power upon measured power. Its ratio is called as correction factor. VI cos phi upon VI cos phi minus beta into cos beta. इसको जब हम simplify करते हैं, it becomes like that. हम जब इसको simplify करते हैं, it becomes 1 plus tan phi into tan beta. ये कैसा बन जाता है, 1 plus tan phi into tan beta. तो यहाँ से clearly आप देख सकते हो, अगर हम इस expression को 1 upon 1 plus tan phi tan beta से relate करें, for an example, your correction factor is 1 upon 1 plus tan phi tan beta, that is equal to true power upon measured power. So what is your measured power? Your measured power is true power multiplied by 1 plus tan phi tan beta. तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपकी ट्रू पावर इस फैक्टर से ज्यादा है. तो अगर बीटा की वैल्यू जीरो होती है तो ये फैक्टर एलिमिनेट हो जाता है, बट ये फैक्टर एलिमिनेट नहीं होता बिकॉज ऑफ द फाइनाइट प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस. तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर, द परसेंटेज एरर विल बी गिवन बाय tan phi tan beta. ये क्या हो जाएगी, tan phi tan beta आपकी परसेंटेज एरर आ जाएगी इन दिस केस, इन सच अ केस, राइट, दैट इज द परसेंटेज एरर. ओके, इसी तरह से अगर हम लीडिंग पावर फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज आएगा बिकॉज कॉस 5 प्लस बीटा हो जाएगा, तो यहाँ साइन हो जाएगा 1 माइनस टेन फाइव टेन बीटा, तो यहाँ 1 माइनस टेन फाइव टेन बीटा आ जाएगा, दैट विल बी माइनस टेन फाइव टेन बीटा, आपकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आएगी, बिकॉज इन दैट केस योर वॉट मीटर इज गोइंग टू रीड लेस. उस केस में आपका वॉट मीटर क्या करेगा, कम पावर मेजर करेगा. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. सेकंड वन इज एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस. अगर हम मान रहे हैं कि एरर, अगर प्रेशर कॉइल में इंडक्टेंस, इंडक्टिव इंडक्टेंस बाय डिफॉल्ट है,
तो उस इंडक्टेंस का क्या हो सकता है, माइन्यूट कैपेसिटेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस भी हो सकता है। ओके ओके, इफ एनीथिंग एल्स आई एम गोइंग टू राइट, आई विल टेक एट द सेपरेट पेज। ओके, प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ कॉइल। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ कॉइल एक्जिस्टेंस में है तो पहले तो हमें उस डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस को मेजर करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ क्यू मीटर, और ये देखना पड़ेगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस कितना ज्यादा कैपेसिटेंस है, हाउ इट कैन अफेक्ट द सर्किट। इफ इट इज देयर देन अगेन व्हाट वी कैन डू टू मिनिमाइज दिस इट्स इफेक्ट, वी कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस बाय प्रॉपरली स्क्रीनिंग दी प्रेशर कॉइल्स। प्रेशर कॉइल की स्क्रीनिंग करके उस डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। दैट इज एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस, एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल कनेक्शन। नाउ गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल कनेक्शन, लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ वन अनदर पेज। एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल कनेक्शंस, तो व्हाट इज एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल कनेक्शन, इसका मतलब ये है कि हम प्रेशर कॉइल को कहां पे कनेक्ट कर रहे हैं। वन ऑफ द कनेक्शन इज वेरी पॉपुलर, दैट इज दिस वन, वी आर कनेक्टिंग द प्रेशर कॉइल अक्रॉस द लोड। पहला केस तो ये है, दिस वन केस नंबर वन, कनेक्शन नंबर वन। व्हाट इज द कनेक्शन नंबर टू, वी आर कनेक्टिंग द प्रेशर कॉइल नियर द लोड। पहला नियर द सप्लाई, दूसरा नियर द लोड। इट इज लाइक दैट, हम इसको यहां पे कनेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज योर करंट कॉइल, दैट इज योर प्रेशर कॉइल, राइट, दैट इज योर रेजिस्टर, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, इट इज योर प्रेशर कॉइल। तो इन दो कनेक्शंस की वजह से क्या हो सकती है, एरर हो सकती है। इट इज सेम लाइक दैट, हमने पहले भी डिस्कशन किया था जब हम डीसी पावर मेजर कर रहे थे, वहां पर भी इस दो तरह के कनेक्शन हमको देखने को मिल रहे थे, तो यहां भी दो तरह के कनेक्शन हमको देखने को मिलेंगे। द एरर मेनली विल बी ऑकरिंग ड्यू टू द करंट कॉइल रेजिस्टेंस आरसी एंड द प्रेशर कॉइल रेजिस्टेंस, द करंट कॉइल रेजिस्टेंस एंड द प्रेशर कॉइल रेजिस्टेंस आरपी। बिकॉज क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो कॉइल है ये भी तो मेटल की बनी हुई है, किसी मेटल की बनी हुई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा, तो नॉर्मली वी आर इग्नोरिंग दोज इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ द कॉइल। दैट इफ इट इज वी आर नॉट इग्नोरिंग दोज इंटरनल रेजिस्टेंसेस, देन वी हैव टू टेक केयर अबाउट दोज इंटरनल रेजिस्टेंसेस, एंड दीज इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम्स सिग्निफिकेंट व्हेन वी आर मेजरिंग लो पावर। क्या होगा जब इनकेस ऑफ दिस, in case of the first connection if we are measuring this, in case of the second, in the case of first connection if we are measuring high power then this becomes insignificant, but if we are measuring low power then this becomes significant. Similarly in second case if we are measuring low power then this resistance becomes insignificant, but we are measuring high power then this resistance becomes significant. So ye jo resistances hain pressure coil ke aur current coil ke internal resistance, they are going, these resistances are going to make our reading erroneous, and that has to be sorted out. Isko kya karna padega, sort out karna padega. So how we can sort it out, simply we should remember the connection formula. For the first case the power will be calculated, for the first case the power will be calculated as VI cos phi, this is the actual component of the power, plus I square RC. RC represents the RCC, current coil internal resistance. So obviously if the current coil internal resistance is zero, then this factor is going to become zero. Ye factor pura kya ho jayega, eliminate ho jayega. Isi tarah se dusre case ke liye hamara jo power ka expression hoga, that will be VI cos phi plus V square by RP, where RP represents the resistance of the pressure coil, internal resistance of the pressure coil. So if RP is very very high, it is assumed that the pressure coil resistance is very very high, so if RP is very very high then this particular component is going to become vanish, that is going to become vanish, because we want that, hum kya chahte hain ki pressure coil kya honi chahiye,
प्योरली रेजिस्टिव होनी चाहिए, प्योरली रेजिस्टिव मतलब सिंपल सी बात है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो होना चाहिए, और इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, दैट वी कैन से। सो दीज बोथ टर्म्स आर इनकॉर्पोरेटिंग लॉस, ये दोनों टर्म्स क्या कर रही है, लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इफ यू वॉन्ट टू हैव सेम पावर मेजरमेंट फॉर बोथ दी कनेक्शंस, देन व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन आरसी एंड आरपी, इस केस के लिए आरसी और आरपी का रिलेशन क्या होना चाहिए, दीज टू टर्म्स कैन बी इक्वेटेड, दैट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ द इक्वल एरर, ये इक्वल एरर को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जो चीज है गाइस, ये आप ध्यान रखिएगा व्हाइल सॉल्विंग दी न्यूमेरिकल। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा इससे रिलेटेड, दो तीन न्यूमेरिकल हम देखेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, थ्री फेज पावर मेजरमेंट की बात करते हैं, बिकॉज ये भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्री फेज पावर मेजरमेंट। Power in three phase circuit. Right, power in three phase circuit. So, sir, Blondel has given a theorem for measuring power in a three phase circuit. That is called as Blondel's theorem. उसे क्या कहते हैं? Blondel's theorem कहते हैं. What is Blondel's theorem? In an N phase. N plus one wire system. N wattmeters are required. For measurement of power, where the current coil of each of the wattmeter is connected in respective phase and pressure coil are connected Just explaining, Siddharth, wait. Pressure coil are connected between that phase and a common line. And he also suggested another postulate. There are two postulates of the Blondel. One, what I have written earlier. The second one is, he suggested that ये भी पॉसिबल है, इन एन एन फेज एन वायर सिस्टम, n plus one wire system. N minus one wattmeter are required for measurement of power
for measurement of power where current coil of CC n minus 1 watt meter are connected in respective phase and pressure coil are connected between that phase and a phase designated as common So with this example, with this diagram, you will be understanding these two postulates very quickly. Just understand this one. Suppose we are having a three-phase load and it is immaterial whether the load is balanced or unbalanced, right? R1, R2 and R3. So this current is say I1, and now we are having a common line. There is a common line. Each of these pressure coils will be connected. This is a wattmeter 1. ये कौन सा है? ये वॉट मीटर 1 है. करंट कॉइल विल बी कनेक्टेड इन द फेज एंड द प्रेशर कॉइल विल बी कनेक्टेड टू दिस कॉमन लाइन, और ये आपका हो गया common line. That is your common line. That is your R, Y and BC. That is your R, Y, B sequence. और ये आपके तीन वॉट मीटर होंगे W1, W2 और W3. तो according to first postulate, the power can be measured with the help of three watt meters in an n plus 1 wire system. यहाँ पे क्या हो गया? आप तीनों वॉट मीटर से क्या कर सकते हैं? Power को measure कर सकते हैं. That is your additional wire, जिसे हम common line कह रहे हैं. It is called as common line, right? यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है मैंने कॉमन लाइन, दैट इज व्हाट योर एडिशनल सिस्टम. और इसमें जो सेकंड पोस्टुलेट है, इस सेकंड पोस्टुलेट में क्या होगा, वी कैन यूटिलाइज दी एन वायर सिस्टम इंस्टेड, या एन प्लस वन वायर सिस्टम वी कैन से दैट, और एन वायर सिस्टम ऑल्सो वी कैन से दैट. एन वायर सिस्टम बोलना ज्यादा सही है फॉर द सेकंड पोस्टुलेट. सो लेट अस अंडरस्टैंड फॉर द सेकंड पोस्टुलेट हाउ वी कैन मेजर द पावर. In case of second postulate, what we are having, we are using n minus 1 watt meters like this. So this can be easily proved that 2 watt meters or n minus 1 watt meters are sufficient for measuring the total power. And again, that is not dependent on the load, whether it is balanced or unbalanced. It is not dependent on the load. Ye load par dependent nahi hai. We are having, this is a structure here. Ab aapka common phase ho jayega. That is your common phase. Ye wala pressure coil yahan par aakar connect hoga. Ye wala pressure coil yahan par aakar connect hoga. That is your wattmeter 1 and that is your wattmeter. और वट एवर यू कॉल इट, जो भी आप इसे कहना चाहते हैं आप इसे कह सकते हैं. दैट इज योर वॉट मीटर 1, दैट इज योर वॉट मीटर 2, W1, W2, यू कैन से दैट W1, W2 एंड दीज आर द योर फेज सीक्वेंसेस R, Y एंड B.
ये आपके फेज सीक्वेंस और ये आपका लोड है R1, R2, तो थ्री करंट्स आर फ्लोइंग हियर, I1, लाइक दिस करंट इज I3 एंड दिस करंट इज I2, तीन करंट फ्लो हो रही है. सो वी कैन अप्लाई सिंपली सम KVL ओवर हियर टू मेजर द पावर, और KVL और KCL लगाकर हम पावर का एक्सप्रेशन अगर कैलकुलेट करते हैं तो वी कैन से दैट द टोटल पावर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टू वाट मीटर्स इटसेल्फ. हमें टोटल पावर का एक्सप्रेशन मिलता है V1 if the voltage across this is V1, the voltage across this is V3 and the voltage across this is V2. So the total power expression that we are going to get from these two wattmeters, हम easily से prove कर सकते हैं कि total power will be V1 I1, V2 I2 plus V3 I3. ये आपको total expression क्या मिल जाएगा, power का यहाँ से मिल जाएगा. Okay? Easily we can prove that. हम इसे easily क्या कर सकते हैं, prove कर सकते हैं. ठीक है, तो गाइस यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास अगर n वायर सिस्टम है, वी आर हैविंग n वायर सिस्टम, देन वी शुड प्रिफर टू यूज n-1 वाटमीटर मेथड, दैट इज 2 वाटमीटर मेथड इन दिस केस. इफ वी आर हैविंग n+1 वायर सिस्टम, यानी कि पिछले केस को अगर हम देखें, हमारे पास इस तरह का सिस्टम अवेलेबल है, तो वी कैन यूज द 3 वाटमीटर्स टू मेजर द पावर, द एक्यूरेसी विल बी हायर इन दैट. No doubt about that. Accuracy will be higher in that particular case. In the second case, the accuracy will be higher and the cost is also effective of the overall system, क्योंकि हमें 2 wattmeter ही use करना पड़ रहा है. तो जब हम power measurement करते हैं 2 wattmeter method से, that is 2 wattmeter method, that is very very important method. Not only from the point of view of theory, but from the point of view of practical also. Practically भी हम अगर बोले कि to entire 3-phase circuit की power अगर 2 wattmeter से measure हो रही है, so why we should not do that? हमें क्यों नहीं करना चाहिए? Because the ultimate cost is going to reduce. That is the main factor. And और हमको significantly instrument handle भी नहीं करना पड़ेंगे ज़्यादा. तो frequent replacement भी नहीं होगा. So that is there are various advantages if you talk about the two wattmeter methods. तो इस केस में for such a case we can simply write the expression for W1 and W2 n wire n minus 1 watt meter लिखा है सिद्धार्थ, not wire, n wire system में कह रहा हूं. अगर n wire system है मतलब जितने phase हैं उतने ही wire हैं, n wires, do you want proof of this? कि ये कैसे मेजर कर रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. प्रूफ भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. We'll take 2 minutes to explain this proof. Hello. Is it correct now? All right. So V13 is equals to V1 minus V2, V3, V23 is V2 minus V3. और W1 की रीडिंग आप लिख सकते हो V13 into I1. और इसी तरह से W2 की रीडिंग आप लिख सकते हो V23 into I2. और यहां से आप V13 और V23 की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे और इस पर्टिकुलर जंक्शन पर KCL लगाओगे तो आपको ये पावर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा. तो दैट इज वी कैन से दैट 2 वाटमीटर्स आर सफिशिएंट टू मेजर द पावर इन अ 3-phase सर्किट. 3-phase सर्किट में 2 वाटमीटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, पावर को मेजर कर सकते हैं. तो W1 कैन बी रिटन फॉर सच अ केस, वी आर अज्यूमिंग अ 3-phase सर्किट, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये बैलेंस्ड है. तो इस केस में जो W1 का एक्सप्रेशन है दैट कम्स टू बी W1 expression comes to be root 3 VI cos
30 plus 5. And the W2 expression comes to be root 3 VI cos 30 minus 5. ये root 3 का factor कहां से आया? ये root 3 का factor किस वजह से आ रहा है? Because of the, we are considering the line voltages. और यहां पर हमने phase voltage का expression दिया हुआ. तो line voltage में convert करने के लिए, तो star connection. ये star connection है. Delta connection होता तो वहां पे IL, I की value में changes आ जाते. That is why we have to remember this. W1 root 3 VI cos 30 plus 5. और W3 VI root 3 VI cos 30 minus 5 ये आपके दो पावर के एक्सप्रेशन हो जाएंगे. इससे हमें पावर फैक्टर का फार्मूला मिलेगा. दैट इज रियली रियली वेरी एडवांस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एज फार एज दी PSUs आर कंसर्नड एज फार एज दी गेट इज कंसर्नड बार इज कंसर्नड सभी में इसके पावर फैक्टर के बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए. सो मेनी टाइम्स द क्वेश्चंस ऑन दैट पावर फैक्टर फार्मूला हैज बीन आस्क्ड राइट. सो द टोटल पावर will be total power will be W1 plus W2 and the power difference will be W1 minus W2. If we calculate this total power and the power difference and we calculate its ratio, right? So its ratio comes to be the power difference upon power total power, that is W1 minus W2 upon W1 plus W2. That comes to be tan phi. tan phi by root 3. यहां से आपको क्या मिल जाएगा? tan phi की वैल्यू मिल जाएगी. That tan phi comes to be root 3 W1 minus W2 upon W1 plus W2. And from here the power factor can be calculated. Power factor will be cos phi, that is cos of tan inverse root 3 W1 minus W2 upon W1 plus W2. That is the very, 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 very important formula. Very, very important formula. Very, very important formula. Okay, guys. Cos phi, cos of tan inverse, root 3 W1 minus W2 upon W1 plus W2. Now, there are several cases that we should remember regarding the power factor variation. ये केस अगर हम याद रखेंगे तो भी हमारे लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना बहुत आसान होगा. केस नंबर वन, cos phi आपका यूनिटी है, दैट इज योर पावर फैक्टर इज यूनिटी. मतलब phi की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री है. phi की वैल्यू 0 डिग्री है. इन दैट केस बोथ द वाट मीटर विल रीड इक्वल. W1 विल बी इक्वल टू W2. फर्स्ट केस. सेकंड केस है cos phi की वैल्यू है 0.5. मतलब आपका पावर फैक्टर है योर पावर फैक्टर सॉरी पावर फैक्टर तो आपका 0.5 है. योर फेज एंगल विल बी 60 डिग्री. phi विल बी 60 डिग्री. सो वन ऑफ द वॉट मीटर विल बी गिविंग द टोटल पावर एंड द अदर वॉट मीटर इज गोइंग टू रीड द जीरो. थर्ड केस, योर cos phi इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स योर फेज इज वॉट 90 डिग्री. आपका फेज क्या हो गया? 90 डिग्री. सो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वन ऑफ द वॉट मीटर इज गोइंग टू रीड द पावर इन वन डायरेक्शन एंड द अदर वॉट मीटर इज गोइंग टू रीड द पावर इन द अदर डायरेक्शन. सो द टोटल पावर इज गोइंग टू बिकम जीरो. राइट, cos phi इज जीरो, दैट मींस द टोटल पावर इज गोइंग टू बिकम जीरो बिकॉज वी आई cos phi. तो अगर cos phi जीरो है तो टोटल पावर आपकी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. तो मतलब एक वाट मीटर की रीडिंग पॉजिटिव आएगी, दूसरे वाट मीटर की रीडिंग नेगेटिव आएगी. द केस कैन बी फोर्थ ऑल्सो. व्हाट इफ द पावर फैक्टर लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5? इफ योर कॉस फाइ लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5, देन योर वन ऑफ द वाट मीटर इज गोइंग टू रीड नेगेटिव. इन सच अ केस आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर कॉइल के कनेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा. यू हैव टू रिवर्स द प्रेशर कॉइल कनेक्शन टू ऑब्टेन द ट्रू रीडिंग. Just remember, once again, I am repeating, if your cos phi is between 0 and 0.5, in that case, your one of the wattmeter is going to read negative. So true, so opt for obtaining the true reading, you have to reverse the pressure coil connections. आपको क्या करना पड़ेगा? Pressure coil connections को क्या करना पड़ेगा? Reverse करना पड़ेगा. So guys, that is all about the power measurement in three phase circuit. Now let us do the questions first.
फटाफट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमको क्या मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन हम गेट और पीएसयूज में या बार्क में या हॉल में या और किसी पीएसयूज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So, let us do those questions quickly. In an electrodynamometer wattmeter, the circuit coil is made fixed. Circuit coil नहीं, current coil लिखना चाहिए. Current coil is made fixed. The pressure coil is fixed. Any of two coils, that is current coil or pressure coil, can be made fixed. Both the coils should be movable. बताइए इसका answer, बताइए जल्दी से guys. Yes, current coil is fixed coil. A, yes, A is the right answer. Current coil is the fixed coil and pressure coil is a movable coil. Let us go to the next one. The power in a three-phase, four-wire circuit can be measured by, ध्यान से पढ़िएगा, three-phase, four-wire circuit. Three-phase, four-wire circuit. Yes, absolutely everybody is correct, guys. A is the right answer. For this, what is the A, right answer? Yes, C is the right answer for this case. C, yes, because N phase but N plus 1 wire system. Guys, N phase और अगर N wire system हो तो 2 watt meter method को क्या कर सकते हैं, use कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे numerical को पढ़ने में, problem को पढ़ने में हमें ध्यान देना पड़ेगा। चलिए next one. Electrodynamic type watt meter have large error while measuring power in AC circuit at low power factor. At low power factor conditions. Since the voltage across and the current through the, बताइए इसका answer guys. फटाफट पावर फैक्टर के लो पावर फैक्टर पर एरर आती है क्यों, व्हाई, वोल्टेज अक्रॉस एंड द करंट थ्रू द प्रेशर कॉइल आर नॉट इन फेज, राइट, दे आर नॉट इन फेज, ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस। क्या कहेंगे इसे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, एवरीबॉडी इज करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। सो द रीजन बिहाइंड दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर कॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड्स का टाइम दूंगा। ओनली 10 सेकंड्स विल बी द राइट आंसर, ओनली 10 सेकंड्स। इन 10 सेकंड्स यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। द लाइन टू लाइन, आई मीन आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, तो रीडिंग टाइम मैं 20 सेकंड्स का देता हूं, मतलब इन ऑल 30 सेकंड्स में हमें आंसर मिल जाना चाहिए। To the line to line in voltage to the three phase 50 hertz circuit shown in figure is 100 volt RMS. Assuming that the phase sequence is RYB, the wattmeters would read W1, W2 की reading क्या होगी अगर ये phase sequence है तो? Yes, C is the right answer. Everybody has done that. Very good, guys. आपको याद है concept. That is the real. आप concept को पकड़ के रखें. Clearly यहाँ से indicated है कि 60 degree इसका क्या है, phase angle. Phase angle कितना है, 60 degree. अभी हमने पिछले slide में discussion किया था. What is that? We have discussed. If phase angle is 60 degree, तो एक watt meter पूरा power measure करेगा, दूसरा watt meter क्या करेगा? Zero power measure करेगा. Zero power measure करेगा. Okay, I will be now close to the mic. So guys, इस केस में हमें बस यही ध्यान रखना था कि फेज क्या है, 60 डिग्री है। Now the voice is okay. Siddharth, please let me know about it. ये कैसा लगा, ये तो ठीक है, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिलेशन, व्हाट W1 इज रूट टू 3 VI cos phi प्लस 30 एंड द सेकंड इक्वेशन इज रूट 3 VI cos phi माइनस 30। ये यहां से पता लगेगा कि कौन सा वाटमीटर आपका जो है वो नेगेटिव रीड करेगा, विच वन इज गोइंग टू रीड द नेगेटिव वन। That is alternately, that is not very important. That is not again very important that which of the wattmeter is going to read a zero. One of the wattmeter is reading zero, that is sufficient for measurement of the
फेज लैग दैट इज 60 डिग्री, या इनवर्सली वाइस वर्सा भी हम इसे कह सकते हैं. ओके, तो वो तो हमें क्या ये कैसे पता लगेगा, मतलब थ्योरेटिकली हम ये नहीं कह सकते, थ्योरेटिकली तो वन ऑफ द वाट मीटर इज गोइंग टू गिव अस, बट प्रैक्टिकली तो हम जब रीडिंग देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि एक वाट मीटर में तो कुछ डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है. वाट मीटर में है क्या एक्चुअली, यहाँ पे कॉइल लगी है, कॉइल मूव कर रही है, प्रेशर कॉइल मूव कर रही है, इसके साथ में इसका पॉइंटर मूव कर रहा है, तो वन ऑफ द वाट मीटर इज गोइंग टू इंडिकेट जीरो. तो उसको आप W1 बोलो या W2 बोलो, दैट इज इन मटेरियल, दैट इज इन मटेरियल, राइट. टू वॉट मीटर्स कनेक्टेड टू मेजर द इनपुट टू अ बैलेंस्ड थ्री फेज सर्किट इंडिकेट टू 2000 वॉट एंड 500 वॉट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट व्हेन बोथ द रीडिंग्स आर पॉसिबल. पॉसिबल नहीं, ये यहां पर गलत लिखा है, पॉजिटिव होना चाहिए इसका. Both the readings are positive. तो यहाँ पे सिंपली हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे गाइस. अभी हमने पावर फैक्टर का फॉर्मूला देखा था, cos phi cos of tan inverse root 3 p1 minus p2 upon p1 plus p2, या w1 minus w2 upon w1 plus w2, that you can write over here. So cos of tan inverse root 3 of 1500 divide by 2500, that comes to be 5 3 by 5, right, that we have to solve. So using the calculator now I have to solve this. Let me solve this for you, or if you have already solved then tell me the answer. So it is 0.696, B is the right answer. इसका आंसर क्या है गाइस, B, yes, B is the right answer. All right. Next, a wattmeter has a current coil. Yes, B is the right answer. Very good everyone. शाबाश. जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए तो हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं पावर मेजरमेंट के एटलीस्ट उसको कंप्लीट कर पाए, बिकॉज द टाइम इज अगेन नॉट परमिटिंग मी टू गो for all the questions. A wattmeter has a current coil of 0.03 ohm resistance and a pressure coil resistance of 6000 ohm. Calculate the percentage error if the wattmeter is so connected that the current coil is on the load side. If the load takes 20 ampere at a voltage of 220 volt and 0.6 power factor. Right, so that is what it is calling. ये क्या कह रहा है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ जिससे आप मुझे आंसर निकाल के बताइएगा फटाफट. ये कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आपका जो करंट कॉइल है वो लोड साइड पर कनेक्टेड है, दैट इज द यूजुअल कनेक्शन ऑफ द वॉट मीटर. ये आपका यूजुअल कनेक्शन है, करंट साइड इज ऑन दी, करंट कॉइल इज ऑन दी लोड साइड, राइट, ये लोड साइड. अब लोड टेक्स 20 एम्पियर, मतलब लोड करंट आपके पास अवेलेबल है और उसका लोड वोल्टेज भी हमें बताया दैट इज 220 वोल्ट और उसका पावर फैक्टर भी बताया दैट इज 0.6 पावर फैक्टर. तो गाइस बताइए जल्दी से इसमें क्या आएगा परसेंटेज एरर, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर फॉर दिस केस. हाउ वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज एरर, देखिए परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें ट्रू पावर निकालना पड़ेगा. ट्रू पावर इज वी आई कॉस फाई, तो 220 इंटू 20 इंटू 0.6 दैट वी आर गोइंग टू गेट द ट्रू पावर, राइट. 220 इंटू 20 इंटू 0.6 दैट इज 2640 वॉट. ये आपका पावर आ गया 2640 वॉट. अच्छा बी आंसर आ गया क्या सभी लोगों का, एवरीबडी हैज गॉट द आंसर बी और इट्स अ प्रीवियस क्वेश्चन आंसर. वामशी ने बी आंसर दिया, सिद्धार्थ ने बी दो बार लिखा, या सिद्धार्थ इज राइटिंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन. ओके सिद्धार्थ करेक्ट, बी आई सपोज वी शुड बी द आंसर. पीटी इज योर ट्रू पावर. व्हाट इज योर मेजर्ड पावर, योर मेजर्ड पावर इज पीटी प्लस दी
the load, the power consumption due to the current coil, right? So current coil is I square RC, that is the power. So PT is already, you are 2640 plus I square RC, that is, what is your I square RC? Your I square RC is 20 ampere square, 20 square into, that is 400 into 0.03, right? So 400 into 0.03, that comes to be 12. That means the power will be 2652 watt. ये आपका पावर आ जाएगा. तो आपका ये मेजर्ड पावर हो गया, ये ट्रू पावर हो गया. तो परसेंटेज एरर बेटा यहां से निकल जाएगा फटाफट. क्या निकलेगा? मेजर्ड पावर माइनस ट्रू पावर अपॉन ट्रू पावर इनटू 100, दैट इज योर परसेंटेज एरर. तो 2652 माइनस 2640 डिवाइड बाय व्हाट, 2640. तो योर आंसर विल बी 2652 माइनस 2640 डिवाइड बाय 2652 इनटू 100, 0.45%. सिद्धार्थ इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी गुड बेटा, 0.45% इज द राइट आंसर. इट इज द करेक्ट आंसर. तो अल्टीमेटली वी कैन रिमेंबर फॉर फास्ट कैलकुलेशन. क्या कर सकते हैं गाइस फॉर फास्ट कैलकुलेशन? ये कंपोनेंट हमारा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है. तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते थे, व्हाट कुड हैव बीन डन फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज एरर. फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज एरर, दिस पोर्शन इज क्रिएटिंग द एरर. So I square RCC divided by the total power, that is the total power. ये आपका percentage error का formula क्या हो सकता था? Directly हम क्या कर सकते थे? Calculate कर. We need not to compute this measured power. आप measured क्या power नहीं भी निकाले तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी? Error मिल जाएगी. ठीक है, चलिए इसी से मिलता जुलता question next है, इसे solve कीजिए next question को जल्दी से और मुझे answer बताइए next question का. सेम टू सेम क्वेश्चन है. हमने क्या किया है, अब प्रेशर कॉइल का कनेक्शन चेंज कर दिया है. बच्चा लोग, प्रेशर कॉइल का कनेक्शन अब हमने चेंज कर दिया है. इसका हिंट क्या होगा? अब देखो, आप प्रेशर कॉइल यहाँ पे कनेक्ट हो गई, इस तरह से कनेक्ट हो गई है प्रेशर कॉइल. मतलब प्रेशर कॉइल इज नाउ अगेंस्ट दी लोड. यहाँ पे प्रेशर कॉइल कनेक्टेड है. ये लोड है आपका 20 एम्पियर का. इसका जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है और पावर फैक्टर 0.6 है. और ये करंट कॉइल है और ये प्रेशर कॉइल इज योर प्रेशर कॉइल. प्रेशर कॉइल इज नियर टू द लोड. दैट इज द ओनली डिफरेंस विद द प्रीवियस क्वेश्चन. जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसी का वेरिएंट है ये क्वेश्चन. तो डायरेक्टली हम एरर निकाल सकते हैं गाइस. एरर विल बी व्हाट, द वी स्क्वायर बाय आरपी डिवाइड बाय द टोटल पावर. टोटल पावर हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर रखा था 2640. व्हाट इज वी स्क्वायर बाय आरपी? दैट इज 220 स्क्वायर डिवाइड बाय आरपी. आरपी कितना है? 6000. तो ये आपका एरर मिल जाएगा गाइस. यहाँ से डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस. ओके, सो 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 6000 डिवाइड बाय 2640 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0.305%. द एरर इज 0.305%. That is equals to nearly 0.31%, right? So B is the right answer. Very good, Siddharth. Shabash. Yes, 0.31 is the right answer. So guys, बहुत बहुत important question है. ये gate में भी बहुत बार पूछा जा चुका है. EE और instrumentation दोनों के paper में पूछा जा चुका है guys. IN और EC, IN और EE gate में दोनों के paper में ये question पूछा जा चुका है regarding the wattmeter connection error. तो आप एक बार फिर से इसको ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली हम एरर को क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग द मेजर्ड पावर. दिस इज अवर फैक्टर ऑफ लॉस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
The two wattmeter connection of wattmeter pressure coil are shown in the figure. A connection और दो connection, दोनों connection show कर दिए हैं यहाँ पे. The value of wattmeter current coil resistance R, which makes the connection error the same in the two cases is. ये पूछ रहा है कि जो करंट कॉइल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए जिससे कि दो कनेक्शन का एरर हमेशा सेम आए, दोनों कनेक्शन का एरर क्या हो सेम. सिद्धार्थ प्रद्युत 10, सिद्धार्थ 0.01 इज द राइट आंसर. राइट, देखो दोनों में एरर कितनी है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक्ड क्वेश्चन है ये. I square RC is the error in this particular connection. That should be equal to IV square by RP, which is the error in this particular connection. इस कनेक्शन में V square by RP हमारा एरर होता है और पहले कनेक्शन में I square RC हमारा एरर होता है. फिर RC and RP are the respective resistances of those particular coils, right? तो ये बोल रहा है कि RC की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि एरर सेम हो. तो ये एरर का एक्सप्रेशन हमने इक्वेट कर दिया तो हमसे RC की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी. इट इज RC और V square by I square into RP, और V और I की वैल्यू हमें दी गई है, राइट, 200 का स्क्वायर बटा 20 का स्क्वायर into RP. RP कितना गया है, दिया है 10 किलो ओम, दैट इज 10 to the power 3. इसको जब सॉल्व करेंगे दैट कम्स टू बी 0.01. कितना आएगा, 0.01 ओम. करंट कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0.01, सो दैट यू कैन यूज एनी कनेक्शन फॉर मेजरिंग दी पावर. आप कोई सा भी कनेक्शन यूज कर सकते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ थ्योरेटिकल वन. जल्दी से बताइए 10 सेकंड्स में इसका आंसर आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन. इन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाटमीटर द इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल प्रोड्यूसेस एरर. द एरर इज कांस्टेंट, हायर, हायर, हाईएस्ट. हायर एट हायर पावर फैक्टर, हायर एट लोअर पावर फैक्टर, हाईएस्ट एट यूनिटी पावर फैक्टर. Yes, it is higher at lower power factor. Higher at lower power because of the inductance of pressure coil. Next, in the measurement of power and on balanced load by 2 wattmeter method in a 3-phase circuit, the readings of wattmeter are 3 kilowatt and 1 kilowatt respectively. The latter being obtained after reversing the connection to the current coil, the power factor of the load is. ये क्वेश्चन को हम ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करेंगे. जल्दी से जल्दी 10 सेकंड में इसका आंसर बताइए, नॉट बाय द फॉर्मूला. हम ऑब्जर्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं बेटा. ऑब्जर्वेशन देखो इसका, व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन वाज क्लियर टू एवरीवन ना, आई सपोज देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय ऑब्जर्वेशन यू हैव टू सॉल्व इट, बाय ऑब्जर्वेशन यू हैव टू सॉल्व इट विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला. मैं ये चाहता हूं कि बगैर फॉर्मूला के आप इसको सॉल्व करो बाय ऑब्जर्वेशन.
आंसर नहीं आया भाई, ऑब्जर्वेशन। देखो हमने बात की थी, मैंने आपको एक केस बताया था कि अगर पावर फैक्टर की वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में है तो आपका एक वॉट मीटर नेगेटिव रीडिंग देगा, वन ऑफ द वॉट मीटर विल गिव नेगेटिव रीडिंग। इन दैट केस टू ऑब्टेन द ट्रू रीडिंग द प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल कनेक्शन हैज टू बी रिवर्स्ड। तो यहां पे आपको क्लियरली मेंशनड है वॉट मीटर्स आर रीडिंग एज 3 kW and 1 kW और जो दूसरी रीडिंग है उसको करंट कॉइल के कनेक्शन को रिवर्स करने के बाद निकाला गया है, राइट। सो That should be, that simply means कि हमारा पावर फैक्टर 0 से 0.5 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ के ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 0 से 0.5 के बीच में है, बाकी कोई भी हमारा आंसर फॉलो नहीं करता। एंड अल्टीमेटली दिस कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। लेट अस कैलकुलेट द पावर फैक्टर। cos phi, cos ऑफ tan इनवर्स रूट 3 P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। अब यहाँ पर जो हम P2 की वैल्यू लिखेंगे वो हमें लिखना पड़ेगा -1। यहाँ पे P2 की वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगी, -1। राइट, करेक्ट आंसर सिद्धार्थ, 0.277 इज द राइट आंसर। तो ये देखिए हम प्रूव करते हैं इसको। रूट 3, P1 है आपका 3, -1 मतलब ये हो गया 4, और 3 -1 मतलब ये हो गया 2, मतलब ये हो गया 0.5। तो यहां से हम आंसर निकाले हैं tan inverse ऑफ रूट 3 इंटू 0.5 and cos of that, if I am putting this as 2 and divide by 4. Sorry. ये तो 2 हुआ ना, that is why the problem is. So 2 into root 3 and tan inverse of that and cos of that 0.277. बराबर, ये आंसर आ गया 0.277। ये इसका आंसर है, ये दोनों तरह से वेरीफाइड है, ये डेटा हमारा दोनों तरह से क्या है बेटा, वेरीफाइड है। तो ऑब्जर्वेशन, जितना ज्यादा हम थ्योरी को ध्यान से पढ़ेंगे उतना ज्यादा इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमें उतना कम टाइम लगेगा। दैट इज व्हाट द थ्योरी वी शुड रिमेंबर द ऑब्जर्वेशन, वी शुड डिराइव द कंक्लूजन फ्रॉम वेरियस स्टेटमेंट्स दैट वी आर स्टडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा जो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। Again, it's a very simple question which has been asked several times, not only in this particular exam, IAS में भी बहुत बार पूछा गया, PSUs में, railway examination, gate, bar, सभी में ये question पूछा जा चुका है। The pressure coil of an inductive type energy meter, right? Now it comes to the energy meter or energy watt meter, right? That is an energy meter, okay? तो ये एक दूसरा है, 4/2 कैसे? अच्छा, ये 4/2 कैसे आया बेटा? हमने क्या किया है, देखो जो ट्रू वैल्यू आई है ना पावर की, प्रद्युत जो ट्रू वैल्यू आई है पावर की वो आई है 3 kW और -1 kW। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, इसको करंट कॉइल को रिवर्स किया था, उसके बाद हमें 1 kW मिलने लगे था। करंट कॉइल को रिवर्स करने के बाद हमें 1 kW मिलने लगा, तो -1 kW की क्या है, ये ट्रू रीडिंग है, ये ट्रू रीडिंग है। और ये वाली रीडिंग कौन सी है? यस, एक नेगेटिव है। दैट इज व्हाई। तो 3 - 1 हो जाएगा 4, 4/2 इस तरह से आ जाएगा 4/2, राइट। ये है इंडक्टिव टाइप एनर्जी मीटर का, इसमें हाईली इंडक्टिव, इट इज हाईली इंडक्टिव। ये एनर्जी मीटर का क्वेश्चन एक्चुअली शफल हो गया, ये मैं डिस्कस करने वाला था आपके साथ में, तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं व्हाई इट शुड बी हाईली इंडक्टिव। ओके, सो दैट इज हाईली इंडक्टिव। चलिए नेक्स्ट वन, द पावर ऑफ अ 3-phase 3-wire बैलेंस सिस्टम वॉज मेजर्ड बाय 2 wattmeter मैथड, द रीडिंग ऑफ वन ऑफ द wattmeter वॉज फाउंड टू बी डबल ऑफ दैट ऑफ अदर, वॉट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम। कैलकुलेट कीजिए इसको, फिर से फॉर्मूले पर बेस्ड है ये, सिंपल सा cos phi, cos
of tan inverse root 3 P1 minus P2 upon P1 plus P2. So one of the wattmeter reads twice the other. That means simply we can say that yes, B is the right answer. यहाँ पर भी आप ये चीज याद रख सकते हो कि अगर एक वाटमीटर दूसरे का डबल पावर मेजर करता है तो वॉट जो पावर फैक्टर है वो हमेशा फिक्स रहेगा. दैट इज 0.866. दैट इज ऑलवेज 0.866. तो रूट थ्री दैट इज से P1 इज रीडिंग ट्वाइस ऑफ दिस P2, सो वी कैन राइट 2P2 माइनस P2. यस, B इज द राइट आंसर. दैट बिकम्स P2 एंड हियर इट बिकम्स 3P2. सो going to become tan inverse 1 by root 3 tan inverse 30 and cos of 30 that will be 0.866. तो यहां से आप याद रख सकते हैं 0.866 आपका आंसर है. ये भी एक ऑब्जर्वेशन है जो आप फर्दर एग्जामिनेशन के लिए याद रख सकते हो कि अगर एक वाटमीटर की रीडिंग दूसरे से डबल है तो व्हाट इज द पावर फैक्टर. डायरेक्टली आप याद रख सकते हो 0.866 एवरी टाइम वी नीड नॉट टू कैलकुलेट इट. What is the effect of inductance in the pressure coil on performance of a dynamometer type wattmeter? ये हम already पहले discuss कर चुके हैं. Same. इसका answer आएगा it reads low on lagging power factor and high on leading power factor. या it reads high on lagging power factor and low on leading power factor. B I suppose the right answer for this case, for this question. B is the right answer. जल्दी से बताओ बेटा हाँ या ना. तो ये B इसका answer होना चाहिए. अगर pressure coil inductance का effect है तो लैगिंग पावर फैक्टर पर लैगिंग लोड पर ये ज्यादा लो ज्यादा रीड करता है. मेजर्स मोर देन द ट्रू पावर एंड मेजर्स लेस देन द ट्रू पावर इन केस ऑफ लीडिंग लोड्स. राइट, ए बी बी आएगा ना. अभी तो हमने डिस्कस किया सिद्धार्थ, व्हाई आर यू सेइंग ए. बी इज द राइट आंसर ना. फॉर लैगिंग लोड व्हाट इज हैपनिंग फॉर लैगिंग लोड. जस्ट रिमेंबर फाइ माइनस बीटा, आपका जो फाइ है वो चेंज हो गया फाइ माइनस बीटा. फॉर लीडिंग लोड क्या हो गया है, जो आपका फाइ है वो चेंज हो गया है फाइ प्लस बीटा में. दैट इज व्हाई फाइ माइनस बीटा मतलब मोर पावर, पाई प्लस बीटा मतलब लेस पावर. ऑल राइट सिद्धार्थ एंड प्रद्युत, चलिए नेक्स्ट वेरी क्विकली बताइए आंसर. ये भी बहुत सिंपल सा है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी का आंसर, उसी का अजर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है. अजर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन. अजर्शन कहता है जनरल पर्पस टू डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर कैन नॉट इंडिकेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ पावर एट लो पावर फैक्टर्स. The presence of self-inductance in the pressure coil circuit introduces an error in the indicated value which increases appreciably with decrease in power factor. Yes, both A and R are true and R is correct explanation of A. A इसका बिल्कुल सही आंसर है. अभी हमने पिछले numerical में इसको देखा. चलिए measurement of energy that is induction type of energy meter. In short थोड़ा सा इसे भी discuss हम कर लेते हैं. तो मैं इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का सर्किट डायग्राम आपको पहले बना के बता देता हूं एक बार. यस यस, ए इज द राइट आंसर गाइस, ए इज द राइट आंसर. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पीएसयूज में देखने को मिलेंगे और जो जो ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होंगे वो आपको गेट में देखने को मिलेंगे. पीएसयूज में आप इसी तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कीजिएगा. तो ये एक स्पिंडल है, इस स्पिंडल पर हमारा काउंटर रजिस्टर सेट रहता है. हाउएवर अगर हम बात करें तो ये जितने भी सिलेबस मेंशनड हैं ये सारे ऑब्सोलेट हो चुके हैं, इजंट इट. अभी हम न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिसमें हमारे मीटर सारे डिजिटल हैं. ये वाले मीटर तो यूज अब होना बंद हो चुके हैं बहुत सारे केसेस में, लेकिन फिर भी अब हमारा जो सिलेबस है हमको तो उसी के हिसाब से चलना है.
तो हम उसमें कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते, राइट? तो वी आर हैविंग द एल्यूमिनियम डिस्क, ये हमारी एल्यूमिनियम डिस्क, ये स्पिंडल जिसपे ये काउंटर सेट लगा हुआ है, और अगर स्पिंडल एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट होती है तो काउंटर की वैल्यूज ऑटोमेटिकली क्या होती है, चेंज होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। एनर्जी मेजरमेंट इज वन ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ टूडेज मॉडर्न एरा। क्यों? क्योंकि हर जगह जो भी हम काम कर रहे हैं वहां कहीं ना कहीं एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। एवरीवेयर वी आर हैविंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स वी आर यूजिंग द मोबाइल फोन, व्हाट इज द पावर कंजम्पशन ऑफ मोबाइल फोन, व्हाट इज द बैटरी लाइफ ऑफ द मोबाइल फोन, व्हाट इज द बैटरी लाइफ ऑफ अवर लैपटॉप, what is the energy we are supplying to our AC, we are supplying the energy to the water heater or a fridge or fan or tube light or whatever be the thing we are using with the electricity, from that point the energy measurement is very very essential. So in the older days jab digital techniques develop nahi hui thi tab ye wale meters bahut prachalit the. To ye wale meter ka jo funda hai wo bada simple sa hai ki hame kya perform karna hai, डिफ्लेक्शन परफॉर्म करना है। सिंपली वी हैव टू परफॉर्म द डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इट इज गोइंग टू डेवलप द मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को डेवलप करेगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी सफिशियंट टू डिफ्लेक्ट द डिस्क फ्रॉम इट्स पोजिशन। डिस्क को उसकी पोजीशन से डिफ्लेक्ट करने में सफिशिएंट है वो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये पहले यूटिलाइज किया जाता था, जिसे कहते थे इंडक्शन टाइप वॉटमीटर। इसे क्या कहते थे, इंडक्शन टाइप वॉटमीटर। तो यहाँ भी क्या है, कॉन्सेप्ट वही है कि दो कॉइल्स आपको यूज करनी है। एक कॉइल रिप्रेजेंट करेगी करंट को और एक कॉइल रिप्रेजेंट करेगी वोल्टेज को। अगेन आप कनेक्शन भी दो तरह के ले सकते हो, जैसा हमने वॉटमीटर में देखा था। तो नॉर्मली हम चूज करते हैं कि जो हमारी करंट कॉइल है वो लोड से होकर जाए, करंट कॉइल जो है वो लोड से होकर जाए, जिससे ये पता चलेगा कि लोड कितना है और हम इजीली पावर का कैलकुलेशन, इजीली एनर्जी का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। दैट इज योर वोल्टेज कॉइल। इट इज कनेक्टेड द सप्लाई एंड वन इज द करंट कॉइल इज कनेक्टेड टू द नियर बाय मैग्नेट। विच इज कनेक्टेड टू द लोड। ये किस पर कनेक्टेड है, लोड पर। ये आपकी एल्यूमिनियम डिस्क है, राइट, विच इज गोइंग टू रोटेट, और ब्रेकिंग मैग्नेट हमें यूज करना पड़ेगा इस केस में, ब्रेकिंग मैग्नेट फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द डिवाइस, कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द डिस्क, नॉट द डिवाइस। डिस्क की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेकिंग मैग्नेट को यूज करना। ब्रेकिंग मैग्नेट, एल्यूमिनियम डिस्क, ये है आपकी करंट कॉइल, करंट कॉइल कैरिंग द लोड करंट, एंड दैट इज द वोल्टेज कॉइल कैरिंग द सप्लाई करंट। और अभी यहां पर ये जो वोल्टेज कॉइल है, ये वोल्टेज कॉइल कैसी होनी चाहिए, हाईली इंडक्टिव। तो गाइस यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रेशर कॉइल ऑफ वॉट मीटर एंड प्रेशर कॉइल ऑफ एनर्जी मीटर। प्रेशर कॉइल ऑफ एनर्जी मीटर मस्ट बी हाईली इंडक्टिव। हाईली इंडक्टिव मतलब ये कि वोल्टेज क्या होना चाहिए, लीड करना चाहिए करंट को बाय 90 डिग्री, या हम अपोजिट में कह सकते हैं करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन केस ऑफ हाईली इंडक्टिव सर्किट। तो यहाँ जो करंट है वो 90 डिग्री से लैग करना चाहिए। द रीजन बिहाइंड दैट इज हमें क्या करना है, टॉर्क प्रोड्यूस करना है। कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करना है, डू यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क? टॉर्क इज द फोर्स व्हिच इज कॉजिंग ट्विस्टिंग मोशन।
ट्विस्टेड मोशन, रोटेटिंग मोशन. रोटेटिंग मोशन को कॉज करने के लिए टॉर्क को 90 डिग्री एंगल पर डेवलप करना बहुत जरूरी है. तो वन ऑफ द टॉर्क इज डेवलप्ड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, वन ऑफ द टॉर्क इज डेवलप्ड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, वन ऑफ द फोर्स रादर, वन ऑफ द फोर्स इज डेवलप्ड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. दीज टू फोर्सेज आर एक्टिंग टूगेदर एंड कॉजिंग द रिवोल्यूशन ऑफ द डिस्क. ये क्या कर रहे हैं, डिस्क का रिवोल्यूशन कर रहे हैं. तो ये जो फोर्स डेवलपमेंट या फ्लक्स डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज ऑब्वियसली द मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF. MMF इज डेवलपिंग इन दैट MMF. बिकॉज ऑफ दैट MMF द इंडक्शन इज ऑकरिंग. इंडक्शन किसमें हो रहा है, इन दिस एल्यूमिनियम डिस्क. ये एल्यूमिनियम डिस्क है तो इसमें भी क्या डेवलप होंगी, एडी करंट डेवलप. एडी करंट डेवलप होने की वजह से इसका खुद का फील्ड डेवलप होगा. तो बोथ दीज फोर्सेज आर एक्टिंग टूगेदर टू मेक द रिवोल्यूशन ऑफ द डिस्क. तो डिस्क का रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा. द डिस्क रिवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द फैक्टर दैट व्हाट इज द लोड करंट बीइंग सप्लाइड. लोड करंट कितना है, कितना लोड है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा. लार्जर द लोड, लार्जर द करंट एंड लार्जर द डिस्क रिवोल्यूशन स्पीड. तो डिस्क रिवोल्यूशन स्पीड किस पर डिपेंडेंट है, या हमारा जो रीडिंग है वो किस पर डिपेंडेंट है, डिस्क रिवोल्यूशन स्पीड पर. तो हम ये कह सकते हैं कि जो टॉर्क है, the deflection torque of the energy meter is proportional to VI cos phi t. VI cos phi t, क्योंकि VI cos phi represent कर रहा है power, और power को जब हम energy एक time के लिए measure करेंगे, तो that is going to give us the energy. तो VI cos phi t, our deflection torque in such a energy meter is directly proportional to power, directly proportional to energy. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो energy की unit है, that is what? VI cos phi t, मतलब वॉट आवर, वॉट और आवर. पावर को वॉट में रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी टाइम को आवर में रिप्रेजेंट करते हैं. तो एनर्जी को हम जनरली कहते हैं वॉट आवर, और इट इज गिवन बाय वॉट आवर. और हम क्या कह सकते हैं, वॉट वी कैन से दैट, हम प्रैक्टिकली अगर बात करें तो प्रैक्टिकली हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं किलो वॉट में. नॉर्मली बहुत सारी जो एनर्जी होती है वो किलो वॉट में रिप्रेजेंट होती है, तो किलो वॉट आवर. तो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट. जब हम मेजर करते हैं यूनिट वाइज कितना कंजम्पशन हो रहा है, सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट. दैट इज कॉल्ड एज 1 एनर्जी यूनिट. यू हैव 1 यूनिट ऑफ एनर्जी और 1 यूनिट ऑफ मीटर इज डिस्प्लेस्ड, राइट. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वी आई कॉस फाइव टी इंटू 10^-3 किलो वॉट आवर. हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 10^-3 किलो वॉट आवर, ये भी हम लिख सकते हैं. तो दैट इज वॉट द इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर. अब इसमें क्या चीज है जो हमें ध्यान रखनी है, वो ये कि प्रेशर कॉइल क्या होती है, हाईली इंडक्टिव होती है. और यहाँ पर ब्रेकिंग मैग्नेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ब्रेकिंग मैग्नेट का काम क्या है, जब आपने लोड को रिमूव कर दिया है तो वापिस से इसको इसकी ओरिजिनल पोजिशन पर लेकर आना है. डिस्क रिवोल्यूशन को क्या करना है, रिमूव करना है, डिस्क रिवोल्यूशन को रिमूव करना है या डिस्क रिवोल्यूशन को जीरो करना है. तो ब्रेकिंग मैग्नेट इज डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क. तो ब्रेकिंग मैग्नेट, अच्छा ब्रेकिंग मैग्नेट हम ये सिंपली समझ सकते हैं कि डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स में जो काम स्प्रिंग करती थी, स्प्रिंग वाज सपोज टू कंट्रोल द डिफ्लेक्शन. इसी तरह से इंडक्शन मीटर में ब्रेकिंग मैग्नेट स्प्रिंग का रोल अदा कर रहा है, ब्रेकिंग मैग्नेट स्प्रिंग का रोल प्ले कर रहा है. दैट मीन्स इट इज कंट्रोलिंग इन अचीविंग द स्टेडी स्टेट रिवोल्यूशन ऑफ द डिस्क. मान लीजिए लोड कॉन्स्टेंट है. फॉर एन एग्जाम्पल, इस रूम में अभी मैं बैठा हूँ, इस रूम में एक पंखा, एक फैन और एक ट्यूबलाइट अभी चल रही है और एक लैपटॉप हमारा चल रहा है, ठीक है. तो द लोड इज कॉन्स्टेंट राइट नाउ द लोड इज कॉन्स्टेंट. ऑल राइट, सो द लोड इज कॉन्स्टेंट, सो द यूनिट कंजम्पशन मस्ट ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट. मान लीजिए कि मेरा मीटर मेरे घर के बाहर लगा हुआ है, तो उस यूनिट में कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं आने चाहिए. अगर मेरे पूरे घर में सिर्फ एक ही कमरे में लाइट चल रही, ओनली इन वन पर्टिकुलर रूम इफ इट इज देयर, सो इफ द लोड इज कॉन्स्टेंट, मतलब ये डिस्क का रिवोल्यूशन भी क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए. तो ये डिस्क का रिवोल्यूशन कांस्टेंट कब होगा, स्टेडी स्टेट में कब आएगा, जब ब्रेकिंग मैग्नेट अपना रोल प्ले करेगा. ब्रेकिंग मैग्नेट क्या करेगा, कंट्रोलिंग करेगा. तो एट कंट्रोलिंग पार्ट इज टेकन केयर बाय द ब्रेकिंग मैग्नेट. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रेकिंग मैग्नेट डिस्क के बहुत ज्यादा क्लोज होना चाहिए या डिस्क के बहुत ज्यादा अवे होना चाहिए. अगर ब्रेकिंग मैग्नेट डिस्क के बहुत ज्यादा क्लोज है, इफ इट इज वेरी क्लोज, देन रीडिंग विल बी मोर, और इफ इट इज वेरी अवे देन द रीडिंग विल बी वेरी लेस. तो वी हैव टू टेक केयर अबाउट द ब्रेकिंग मैग्नेट पोजिशन. सॉरी उल्टा मैंने कह दिया, इफ द ब्रेकिंग मैग्नेट इज वेरी क्लोज टू द डिस्क कॉइल रोटेट स्लोली एंड दैट इज रिजल्टिंग इन टू
lower kilowatt hour. That is resulting into lower kilowatt hour. That we have to remember. कि breaking magnet must not be very too close and it must not be very far away. क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दूर हुआ तो हम क्या हमारा क्या होगा higher energy ज़्यादा disk का rotation होगा और even though the load is same तो वो higher energy क्या करेगा show करेगा. Indicate करेगा. So sometimes in the previous cases, it was reported by most of the users कि हमारा meter ज़्यादा reading में ले रहा है या हमारा meter चल नहीं रहा है. तो the reason behind that is the breaking magnet was not working there sufficiently. अब जो digital meters हैं, उन digital meters में ये वाला concept ही क्या कर दिया है? इसको remove कर दिया है. Energy meter, energy metering is totally have become digital. In that case, directly the power is measured across the load and converted into a digital format. There is no concept of the breaking magnet in the digital meters. All right, meter constant, guys. एक important जो factor है जो हमें याद रखना है, that is meter constant. Meter constant key gives you the relation between number of revolutions per hour. Per hour on total energy. Total energy नहीं, total power मुझे कहना चाहिए. Total power consumed. Total power consumed. Number of revolutions per hour upon total power. That is given by, that is called as the meter constant. Meter constant, guys, हमें याद रखना जरूरी है. Number of revolutions per hour upon total power. या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, number of revolutions of the disk upon energy. ऐसा भी कह सकते हैं. Energy will be given in kilowatt hour. Right? Total power is always given in kilowatt. तो हम ये कह सकते हैं, number of revolutions of the disk upon kilowatt hour, that will be your energy. ये क्या हो जाएगा, आपकी energy हो जाएगी. All right guys, so let us do some questions onto this energy meter quickly, ताकि ये हमारा target पूरा हो सके power और energy measurement का. ठीक है, the breaking torque produced by a permanent magnet in a single phase energy meter is proportional to the square of flux of permanent magnet, speed of meter, distance of the permanent magnet from the center of revolving disk, all of the above. So correct answer is all of the above. ये सारी चीजों पर depend करता है, breaking torque कितना लग रहा है produced by the permanent magnet. ठीक है, तो breaking torque मतलब कौन सा torque, the torque given by this particular magnet for breaking torque. So at the steady state movement, the deflection torque and the breaking torque must be same. Deflection torque produce करने के लिए ये magnet use किया जा रहा है, breaking torque produce करने के लिए ये magnet use किया जा रहा है. So the answer is all of the above. Next question: creeping in a single phase induction type energy meter may be due to overcompensation for friction, over voltage, vibrations, all of the above. What is called as creep? What is called as creep error? Creep error is when the load current is reduced to zero. Load current is reduced to zero. The supply voltage may cause the disk to rotate slowly. This is known as creep. इसे क्या कहते हैं, creep. Even though आपका load current present नहीं है, तो भी क्या हो रहा है? आपकी जो current है, जो आपका जो meter है, वो reading दे रहा है. The meter is giving the readings. So that is because of overcompensation for friction. Next question: if energy meter disk make 10 revolutions in 100 seconds and a load of 450 watt is connected to it, the meter constant is in revolution per kilowatt hour. What will be the meter constant?
right? So 10 revolutions in 100 seconds, 1 revolution in 10 seconds. So that means 1 revolution, or we can say we have to just calculate opposite thing, right? What is the revolution per hour? In 100 seconds, 1 revolution, 1 second, sorry, 10 revolutions, 1 second, 1 by 10 revolution, in 3600 seconds, the revolution will be 1 by 10 into 3600, that means 360 revolutions. 360 revolutions, right? So, what is the meter constant? The meter constant is number of revolutions per hour. Number of revolutions per hour divided by the total power. Divided by the total power. So number of revolutions per hour is 360. Divided by the total power is 450 watt. So what will be the answer? A 1000, how this is so? 360 by 450, 0.8, 800 आना चाहिए ना बेटा, हाँ 800 is the right answer, that is multiplied by 1000, 0.8 into 1000, right, 800, 800 is the right answer, alright, चलिए next, in a single phase induction type energy meter, the lag adjustment is done, मतलब, we want the pressure coil inductance to pressure coil current to lag from the pressure coil voltage by 90 degree, right? To make the current coil flux to lag 90 degree, to make the pressure coil flux to lag 90 degree behind the applied voltage. B is the right answer. The answer kya hai beta? B. Its right answer is B. In an induction type energy meter, if the meter runs fast, it can be slowed down by. Isko kaise slow kiya ja sakta hai? So, adjusting the position of braking magnet and moving it away from the center of the disc. D is the right answer. Agar hum magnet ko away le jayenge, to the rotation of the disc can be slowed down. That is the right answer. Lag adjustment, light load adjustment, adjusting the position of braking magnet and moving it closer. And moving it away. So moving it away. So correct answer is D. Next question. An energy meter having a meter constant of 1200 revolutions per kilowatt hour is found to make 5 revolutions in 75 seconds. The load power is. Ab yahan pe load power hame nikalna hai. So meter constant already hame given hai. Meter constant is 1200 revolutions per kilowatt hour. We are already given 1200 revolutions per kilowatt hour. Found to make 5 revolutions in 75 seconds. The load power is. From here, the load power can be calculated. 1000 watt for this. So, number of revolutions per hour upon the kilowatt, that will be multiplied by this to give the meter constant, to calculate the power, the kilowatt, right, kilowatt or watt
whatever load power we want to calculate for an example. So that will be number of revolutions per hour divided by 1200 revolutions per is 1200, right? Simply. So 5 revolutions in 75 seconds. Again, 5 revolutions in 75 seconds, 5 revolutions. So 1 second, 5 by 75, 3600 seconds, 5 by 75 into 3600. That comes to be 240. So this comes kilowatt 240 divided by 1200, right? And since it is kilowatt, so we want to convert it into watt. That has to be multiplied by 1000, right? So 200 आएगा वॉट में आंसर. सिद्धार्थ, बाय 1000 आंसर इज 200 ना. सही है सिद्धार्थ आंसर. तू 200 आएगा या 1000 आएगा बताओ जल्दी से. प्रद्योत, सिद्धार्थ, अच्छा ये प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था. ऑल राइट सो इट्स आंसर इज 200 वॉट. ओके गाइस, तो ये आज का हमारा जो समय है वो यहीं पे समाप्त होता है. बिकॉज आई एम हैविंग सर्टेन वर्क राइट नाउ ऑन दिस बिजी संडे. So thank you very much for attending the session, and I have tried to cover some questions which can be asked in power and energy measurement. Such a simple questions, guys, you can just have a look onto these working of these devices: electrodynamometer, wattmeter, induction type energy meter. आप इसको एक बार go through हो जाए और इन questions को देख लें तो आपको बहुत सारा इसमें knowledge मिलेगा कि कैसे हम PSUs के questions को solve कर सकते हैं. So guys, thank you very much for attending the session. और Unacademy Combat Quiz में हिस्सा लेना ना भूलिए, जो कि स्टार्ट होने वाला है. ऑलरेडी आज का ये जो कॉम्बैट क्विज है ऑलरेडी निकल चुका है. दोज हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर इट एंड दे हैव अटेम्प्टेड, दैट्स रियली गुड. अब अगले संडे को फिर से ये क्विज है जिसमें आप लगभग 3.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप्स क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, राइट? और गाइज जल्दी से जल्दी इसको रजिस्टर कीजिए और आप मेरा कोड यूज कीजिए RAJAT11 फॉर अनलॉकिंग द क्विज. तो इस क्विज का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. गाइस, द नंबर वन चैनल्स यू कैन ज्वाइन और ऑलरेडी यू हैव ज्वाइन, प्लीज स्प्रेड दिस न्यूज अमंग योर फ्रेंड्स. करंट पेंडेमिक सिचुएशन ये कह रही है कि हमें बाहर जाकर पढ़ना नहीं चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर पालन करना चाहिए क्योंकि कोरोना अपना रौद्र रूप धारण करता जा रहा है और द केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो गाइस, इट इज अ बेटर थिंग दैट वी स्टडी एट अवर होम एंड वी स्टडी विद कंसंट्रेशन. सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन. थैंक यू वेरी मच.